नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन YouTube चैनल पर। अभी तक जितना हमने पढ़ा टाइप 3 से लेकर टाइप 11 तक, ये पूरा पोर्शन इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसके अंडर था। जो टाइप्स हमने डिनोट किए वो अपने रेफरेंस के लिए है, आप बुक से यदि उसे टैली करोगे तो इस तरह से टाइप लिखे हुए नहीं होंगे। प्रॉब्लम को अलग अलग कैटेगरी में रखते हुए हम टाइप वाइज उनकी स्टडी कर रहे हैं। तो ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक मेजर पार्ट था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का। सबसे पहले तो डेफिनेशन इनडेफिनेट इंटीग्रल की, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यदि मान लो फाई ऑफ एक्स है तो इसका इंटीग्रल फंक्शन हो जाता है। इंटीग्रल ऑफ फाई ऑफ एक्स डी एक्स इज एफ ऑफ एक्स, और उसके साथ में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का रोल देखे थे तो प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते थे यहां पर, वेयर सी इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो डेरिवेटिव से तैयार होते हैं एंटी डेरिवेटिव लेने पर, वो डिराइव किए थे। अब इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स, कौन कौन से फॉर्मूले थे वो बोलकर बताओ, किस किस का इंटीग्रेशन मिल गया था। तो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x, ये हो गया पावर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और 1 बाय x। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, कॉस x, टेन x का इंटीग्रेशन अभी नहीं मिला था, यहां नहीं मिला था tan x का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, फिर sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन था और cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन था। इतनी बातें सब यहां पर पड़ी थी, और इतने फॉर्मूले डिराइव करने के बाद इन पर बेस्ड हमने टाइप 1 के एग्जांपल्स, बेसिक एलजेब्राइक एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किए। इतना दिख रहा है, विजुअलाइज कर पा रहे इतनी चीजें, ओके। अब इसके बाद टाइप 2 में कुछ स्पेसिफिक पैटर्न के प्रॉब्लम जिसको कुछ मेथड लगती थी वो डिस्कस किए थे। टाइप 2 इंटीग्रल्स ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन पी एक्स प्लस क्यूब डी एक्स, फिर ये अंडर रूट में भी हो सकता था, वन अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ पी एक्स प्लस क्यूब डी एक्स, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में भी हो सकता था, ए एक्स प्लस बी इंटू अंडर रूट ऑफ पी एक्स प्लस क्यूब डी एक्स, ऐसे तीन टाइप के प्रॉब्लम यहां हो सकते थे। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो एक्सप्रेशन है इसको इसके टर्म में कन्वर्ट करते थे, तीनों कैटेगरी में। तो इसकी मेथड यदि कहना चाहे तो इसकी मेथड क्या, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए पी एक्स प्लस क्यू प्लस बी, इस फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करते थे और फिर आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, ठीक है। मतलब इसको एक्सप्रेस करेंगे इसके टर्म में, ये इसको एक्सप्रेस करेंगे इसके टर्म में, इसको एक्सप्रेस करेंगे इसके टर्म में, और फिर इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। अभी हम केवल टाइप के मेथड रिवाइज करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, फिर से वो रिपीटेशन हो जाएगा पूरा पूरा, राइट।
टाइप टू आ रहा है, विजुअलाइज हो रहा है टाइप टू। उसके बाद आया था टाइप थ्री, टाइप थ्री, और टाइप थ्री को स्टार्ट किया था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हमने एक थ्योरम का प्रूफ किया था, और वो थ्योरम के प्रूफ के बेसिस पर चार कोरोलरीज प्रूफ की थी। कोरोलरीज कैसी थी? इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए एक्स फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू, यदि फाई का इंटीग्रेशन मालूम हो और उसकी जगह पर यदि लीनियर एक्सप्रेशन हो x के बदले, तो इसका इंटीग्रल हो जाता था f of ax plus b divided by a, coefficient of x plus c। कोरोलरीज, चार कोरोलरी प्रूफ की थी। फिर इसके बाद कोरोलरी थी इंटीग्रेशन ऑफ f dash x, ये ऊपर नीचे ऑर्डर हो सकता है, अपॉन fx dx, log of f of x, log of f of x plus c। corollary f dash x upon under root of f of x dx, 2 root f of x plus c, f of x ka power n f dash x dx is equal to f x ka power n plus 1 upon n plus 1 plus c। ये चार corollaries के प्रूफ देखे थे, और फिर इसके बाद जो बचे हुए चार हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनके इंटीग्रल्स डिराइव किए थे। तो उसमें क्या क्या आ गए थे? इंटीग्रल्स ऑफ टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स। यहां पर इतनी चीजें करने के बाद, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, इतने सब के रिजल्ट्स प्रूफ कर लिए हमने सब। अब हमारे पास छो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल्स अवेलेबल हैं। अब इन पर बेस्ड हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे, और फिर अब धीरे धीरे इनके पावर बढ़ाते जा रहे थे। स्क्वायर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन, स्क्वायर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्क्वायर आने के बाद में क्यूब ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्यूब्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पावर फोर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पावर फोर इंटीग्रेबल नहीं था, हायर पावर सभी फंक्शन के नहीं थे, बट कैटेगरी वाइज उसको बढ़ाते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे, पावर एट तक के पहुंच गए थे। और फिर वहां पर हमने मेथड समझने की कोशिश की थी कि यदि इवन पावर हो और ऑड पावर हो तो कैसे उनको इंटीग्रेट करना। अभी आपको ये पर्टिकुलर पावर्स के साथ प्रॉब्लम है, एग्जांपल्स, आगे इसका जनरलाइजेशन भी है, मतलब आगे जब आप पढ़ेंगे तो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स का पावर एन डी एक्स, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेगा, लेकिन अभी वो फॉर्मूला नहीं था। जब आगे बढ़ेंगे तो इसके इंटीग्रेशंस मिलने लगे, ऐसे सारे फंक्शंस के, कॉस एक्स का पावर एन, टेन एक्स का पावर एन, बाकी के भी जो तीन फंक्शन है उनके पावर, मतलब वो जनरल रिजल्ट हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पावर एन हो तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो याद रखना होता है फिर, लेकिन उसके लिए समय लगेगा, अभी आने का है ये टॉपिक, आने का है, ठीक है। तो अभी आपको पर्टिकुलर हायर पावर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को धीरे धीरे एक एक लेयर ऊपर बढ़ाते गए। उसके बाद में कॉम्बिनेशंस थे साइन और कॉस के, साइन एक्स कॉस थ्री एक्स, साइन टू एक्स कॉस टू एक्स। तो जब ऐसे प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट को कन्वर्ट किए थे हमने सम या डिफरेंस वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से, अब फिर वो दो अलग अलग हो जाते थे और उनको इंटीग्रेट करते। तो इतनी सारी बातें ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड हमने इनके फॉर्मूले के बाद यही टाइप थ्री में कवर की थी। टाइप फोर एक्चुअल एग्जांपल, तो उसको टाइटल दे देते प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन,
प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। अब यहां एज सच कोई रिजल्ट्स नहीं थे, जो कुछ अभी तक के हमने पढ़ा इन पर बेस्ड एक्चुअल प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो प्रॉब्लम्स यहां सॉल्व किए थे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। ऐसा समझिए यहां तक के रिजल्ट्स थे, सॉरी रिजल्ट्स को ही कंटिन्यू करते हुए हायर पावर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कवर कर लिए, तो उनकी भी मेथड यहां पर एस्टेब्लिश हो गई थी। अब जो प्रॉब्लम्स थे वो इस कैटेगरी में ले लिए प्रॉपर सब्स्टिट्यूशंस। दिखता था प्रॉब्लम में कि कुछ सब्स्टिट्यूट होने से प्रॉब्लम बेसिक एल्जेब्राइक या एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता, मतलब यहां के प्रॉब्लम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के बाद टाइप वन में चले जाते थे, सिंपल हो जाते थे, सॉल्व किए जा सकते थे उनको। टाइप फाइव यूजिंग आइडेंटिटीज ऑफ साइन ए प्लस माइनस बी कॉस ए प्लस माइनस बी, तो इसके प्रॉब्लम भी अलग से पहचाने जा सकते हैं, अलग से पहचाने जा सकते हैं साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, साइन और एक्स के साथ में है ये, यूजिंग आइडेंटिटीज ऑफ साइन एंड कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी के लिए अलग सेपरेट कैटेगरी रख दी इसकी, मतलब जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम दिखे तो ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए और वो आइडेंटिटी कहां अप्लाई करनी है, हमेशा न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में जो भी नेसेसिटी डिनोमिनेटर के एंगल्स है उसको एडजस्ट करके आइडेंटिटी बनाकर टर्म्स को सेपरेट कर लेते थे और फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते थे। इसके सफिशिएंट एग्जांपल्स जितने जितने टाइप के एग्जांपल है वो सब कवर किए, बुक में एग्जांपल कम थे इस टाइप के, हमने जो जो पॉसिबिलिटी थी वो सारी पॉसिबिलिटी के एग्जांपल क्लास में कवर किए। टाइप सिक्स में क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स डी एक्स, और इसी के साथ में एक्सपोनेंशियल के भी प्रॉब्लम थे, ए ई पावर एक्स प्लस बी अपॉन पी ई पावर एक्स प्लस क्यू डी एक्स, मतलब जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन एक्स और कॉस एक्स के कॉम्बिनेशन हो या फिर एक्सपोनेंशियल इस पैटर्न में हो तो इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड क्या थी, वो वी एक्सप्रेस न्यूमरेटर एज ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो ये मेथड यदि याद रही तो प्रॉब्लम सब सॉल्व होने लगेंगे, इस मेथड से न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करें, एक्सप्रेस करने के बाद ए और बी की वैल्यू फाइंड कर देते, वो एक्सप्रेशन पूरा पूरा न्यूमरेटर में रखते और फिर टर्म सेपरेट हो जाती, टर्म सेपरेट होने के बाद में एक जगह तो डिवाइड हो जाती है, मतलब ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाएगा और एक जगह न्यूमरेटर में डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर में फंक्शन, तो लॉग वाली फॉर्मूला लग जाता वहां पर, वहां लॉग का फॉर्मूला लग जाता। अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहां, अभी कहां से टाइप सिक्स के बाद में, अच्छा ये टाइप रिवाइज करते करते, ये टाइप रिवाइज करते करते इनके एक एक प्रॉब्लम जिससे आप वो टाइप में कैसे सॉल्व करते हो ये कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इतनी बातें होगी टाइप सिक्स तक, अब वेरी इंपॉर्टेंट टाइप सेवन, नाइन स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, नाइन स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स का जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट क्या था, कि एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के कॉम्बिनेशंस कैसे कैसे हो तो उनका इंटीग्रेट किया जा सके, प्लस हो तो सीधा सीधा हम इस टाइप से इंटीग्रेट कर लेते, माइनस हो तो भी टाइप वन से इंटीग्रेट हो जाता, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो भी टाइप वन से इंटीग्रेट हो जाता। लेकिन यदि यही एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में रहे तो यानी वन अपॉन वन अपॉन वन अपॉन, तब उनके इंटीग्रल्स क्या, तो वो यहां देखे थे फर्स्ट थ्री फॉर्मूले, उसके बाद ये यदि अंडर रूट में रहे तो उनके इंटीग्रल्स क्या, वो भी यहां देखे थे सेकेंड सेट में, तो सिक्स फॉर्मूले और इनको डिराइव भी किए थे, इनके प्रूफ भी किए थे कंप्लीट। अब ये यदि न्यूमरेटर में हो
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यदि ये न्यूमरेटर में हो तो इसके भी फॉर्मूले वहां पर मेंशन कर दिए थे, और वो इस इनके फॉर्मूले लिखने के लिए एक पैटर्न था। इनके प्रूफ वहां नहीं हुए, इनके प्रूफ अभी जो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ने वाले हैं इसके बाद तब इनके प्रूफ हो जाएंगे, लेकिन इन पर बेस्ड जो एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करने का तरीका, उनको सॉल्व करने का मेथड एक ही होता है, इसलिए हमने ये 9 रिजल्ट्स एक साथ लिखकर इनके एग्जांपल एक साथ कंसीडर कर लिए, समझने के लिए आसानी होती है। बुक में पहले ये जो 6 प्रॉब्लम 6 फॉर्मूले इससे रिलेटेड एग्जांपल लिए, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इनका प्रूफ बताया और इसके एग्जांपल्स अलग से लिए, तो रिपीटेशन ऑफ वर्क हो जाएगा। हमने इस तरह के प्रॉब्लम भी साथ ही साथ कवर कर लिए, तो समझना कैटेगरीज को आसान हो जाता है, ठीक। और इसके साथ में एक और फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज सेक इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, इसको पढ़ा था वहां पर, इसका प्रूफ देखा था। तो ऐसे बोलकर 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट एक कैटेगरी के होते, इसलिए उसको 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट बोलकर लिखा है, प्लस 1 एडिशनल फॉर्मूला वाज देयर। ये 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स प्रूफ करने के बाद टाइप 8 में हमने इंटीग्रल्स लिए थे 1/ax² + bx + c, 1/√ax² + bx + c, इंटीग्रल ऑफ ax² + bx + c इन अंडर रूट, मतलब यहां जो रिजल्ट्स प्रूफ किए थे ये रिजल्ट्स पर बेस्ड एग्जांपल्स, ठीक, टाइप 8। तो इसको सॉल्व करने के लिए तरीका होता था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सम और डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना, बस इतना सा समझ में आ जाए तो वो टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगे, प्रैक्टिस की जरूरत होगी। मेथड सम, सम और डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। बस इतना सा ध्यान में रहा तो काम होने लगेंगे, प्रॉब्लम देखकर आप उसको एक्सप्रेस करेंगे, फिर वो जो प्रॉब्लम होगा वो 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में किसी तो भी फॉर्मूले के फॉर्म में फिट हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये था टाइप 8, टाइप 9, इंटीग्रल ऑफ ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी डी एक्स, ऐसे यानी स्क्वायर साइन एक्स का या कॉस एक्स का या प्रोडक्ट ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, इस तरह के यदि इंटीग्रल हो तो इनको सॉल्व करने का मेथड अलग था। क्या मेथड था, याद आता है कुछ? इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते थे कॉस स्क्वायर एक्स से, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, इतना ही मेथड बस बोल दिया था। फिर मेथड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये बोलने के साथ साथ में क्या होता है, आगे ऊपर बन जाता sec स्क्वायर एक्स डीएक्स, और नीचे पूरा एक्सप्रेशन हम टेन एक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। एक बार डिनोमिनेटर टेन एक्स में कन्वर्ट हो गया तो फिर सब्स्टिट्यूशन आ जाता, मतलब ये वाला टाइप आ जाता, यानी प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन वाला प्रॉब्लम बन जाता। पुट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, तो sec स्क्वायर एक्स डीएक्स बन गया डीटी। तो मतलब ये जो प्रॉब्लम होते हैं ये प्रॉब्लम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मेथड से फिर आगे कंटिन्यू हो जाता। टाइप 10, इसमें यहां जो स्क्वायर कॉम्बिनेशंस थे अब वो 1/a sin x + b cos x + c, ये टाइप के प्रॉब्लम है, स्क्वायर्स नहीं है, साइन एक्स कॉस एक्स का कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर मेथड थी, याद आता है कुछ, क्या थी मेथड? पुट 10x/2 = t, पुट 10x/2 = t। अब यहां दिखता तो नहीं है 10x x/2, लेकिन जब हम इसको डिफरेंशिएट करके dx फाइंड करते हैं
और साइन एक्स और कॉस एक्स के फॉर्मूले टेन की टर्म में रिकॉल करते तो ये प्रॉब्लम कौन से टाइप में कन्वर्ट हो जाता, ये प्रॉब्लम बन जाता टाइप एट का प्रॉब्लम बन जाता, और फिर टाइप एट की मेथड से उसको सॉल्व करते हैं। तो पूरी चेन है, एक के बाद एक पूरी चेन है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर यदि एंगल 2x हो तो 10x by 2 की जगह हम 10x equal to t पुट करेंगे, और इसीलिए उसको टाइप 10a नाम दे दिया था। 10 और 10a एक जैसे प्रॉब्लम है, बस एंगल का डिफरेंस होने की वजह से सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा चेंज होता है, प्रोसीजर वही होती है। प्रोसीजर वही कंप्लीट करने के बाद वो पूरा प्रॉब्लम ये टाइप 8 के इस पैटर्न में कन्वर्ट हो जाता, और उसके बाद टाइप 11 में यहां जो हमने न्यूमरेटर में 1 और इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में 1 लेकर डिस्कस किया था, तो टाइप 11 में अब ये अपग्रेड हो जाता, लीनियर एक्सप्रेशन आ जाता टाइप 11 को, वही थोड़ा सा मेंशन कर टाइप 11 इंटीग्रल px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, इंटीग्रल px प्लस q अपॉन अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये प्रॉब्लम थोड़े से बड़े होते हैं, px प्लस q इनटू इंटीग्रल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। तो अब न्यूमरेटर में जब लीनियर एक्सप्रेशन आ जाए, प्रोडक्ट में लीनियर एक्सप्रेशन आ जाए, तो यहां पर मेथड हमको एक्सप्रेस करना होता था px प्लस q इज इक्वल टू, क्या करते थे, px प्लस q इज इक्वल टू a डेरिवेटिव ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये डेरिवेटिव डैश लिखा वहां पर डैश लिखा, प्लस बी कैपिटल बी, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड। और जैसे ये मिल जाता इसको रख देते प्रॉब्लम में रखने के बाद में वो सेपरेट दो पार्ट बन गए, एक जगह पर डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर का ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर है, लॉग का रिजल्ट लग जाता f dash x upon integral of f of x upon f of x का integral, ऐसा बोलना चाहिए, तो log f of x। और दूसरी जगह पर b upon quadratic expression या b upon under root of quadratic expression, तो वो इस टाइप में कन्वर्ट हो जाता था टाइप 8, यानी टाइप 11 के प्रॉब्लम एक स्टेज में जाके टाइप 8 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से यहां से जो सब्स्टिट्यूशन मेथड शुरू होता है टाइप 3 से, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही डिफरेंट कैटेगरी में रखते हुए यहां पर लाके कंप्लीट किए, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये एक मेजर पोर्शन है इंटीग्रेशन का। अब इसी तरह से जब हम आगे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो उसको भी सेपरेट करते हुए अलग अलग कैटेगरी में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, और एक और तीसरा मेजर पोर्शन होगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, और तब जाके ये जो टॉपिक है इनडेफिनेट इंटीग्रल ये कंप्लीट होगा।